Hey guys, my name is Jesha and welcome to my YouTube channel. In this channel, we will be talking a lot about fashion, beauty and lifestyle. Today, I will be teaching you how to do facial at home with few basic steps. End of the video, you will be achieving glass skin. Yes, you heard me right. The trend which is going on nowadays. So bear with me and watch this video till the end. So let's get started. Guys, I took some milk powder, sandalwood powder and almond milk. ऑमन मिल्क में ओमेगास होते हैं, ये आपकी स्किन को सपल एंड नरिश रखता है. एंड मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है जो कि वाइटन करता है, ब्राइटन करता है, टैनिंग रिमूव करता है. अभी मैंने यहाँ पे बहुत फास्ट अपनी स्किन को क्लेंस कर लिया है एंड यू कैन सी द डिफरेंस. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू स्टेप नंबर टू. सो अभी हम 10 मिनट स्टीम लेने वाले हैं. ये पोर्स खोलता है एंड उसके बाद अगर आप अपने फेस पे कुछ भी लगाओगे तो वो बहुत अंदर तक पेनिट्रेट होता है. ऑल्दो मैं यहाँ पे बहुत फनी फेसेस बना रही हूँ बट आई एम डाउन विद फीवर, कफ एंड कोल्ड. मेरी वॉइस भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है इन द वीडियो, प्लीज़ बेयर विद मी. चलो बहुत फनी फेसेस हो गए. मूविंग टू स्टेप नंबर 3, दैट इज स्क्रब. 1 स्पून ऑफ कॉफ़ी, 1 स्पून ऑफ कोकोनट ऑयल, 1 स्पून ऑफ शुगर एंड आवर स्क्रब इज़ रेडी. अभी मैंने स्क्रब अपने पाम में ले लिया है एंड मैं उसे जेंटली अपने फेस पे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप्लाई कर रही हूँ. इस स्क्रब के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. कॉफ़ी आपकी स्किन को रेजुविनेट करती है, कोकोनट ऑयल आपकी स्किन को नरिश करता है एंड शुगर हेल्प करती है आपकी स्किन के डेड सेल्स रिमूव करने में. एंड ऑनेस्टली मेरी स्किन यहाँ पर बहुत ग्लो कर रही है. व्हाट डू यू से? नेक्स्ट स्टेप इज़ फ्लैक्सीड मसाज क्रीम. मैंने एक पैन में बहुत सारे फ्लैक्सीड लेके उसे बॉईल कर लिया है एंड आपको तब तक बॉईल करना है जब तक मिक्सचर थिक नहीं हो जाता. फ्लैक्सीड बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटिंग होता है. मैंने अपने पाम में फ्लैक्सीड पेस्ट लिया है एंड उसे अपने फेस पे, हेड पे एंड अपनी अंडर आई एरिया पे इस तरह से मसाज किया है. आपको भी यही स्टेप्स फॉलो करने हैं. मसाज हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, सो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि सारी मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए. इट हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ हाइड्रेशन एंड शाइन टू माई स्किन. यू कैन चेक इट आउट. अभी तो मैं यहाँ भूत लग रही हूँ. मसाज के बाद लेट्स मेक अवर फेस पैक. सो मैंने 1 स्पून मुल्तानी मिट्टी ली है, 1 स्पून लिक्विडाइज पाउडर लिया है एंड उसमें रोज़ वाटर ऐड किया है. यहाँ पे मैंने एक थिक लेयर अप्लाई कर लिया है. मुल्तानी मिट्टी एक्सेस ऑयल निकालता है फेस से एंड लिक्विडाइज पाउडर आपके फेस से सारी टैनिंग रिमूव करता है. अगर आपने रिसेंटली बीच साइड ट्रैवल किया है लाइक गोवा एंड मालदीव्स तो ये आपके लिए बेस्ट है बिकॉज ये आपकी सारी टैनिंग रिमूव करेगा, एक्सेस ऑयल निकाल देगा. 10 मिनट्स बाद आप इसको रिमूव कर सकते हैं. नाउ आप ये सोच रहे होंगे ये क्या है. मैंने एलोवेरा एंड वाटर को आइसक्रीम की तरह फ्रीज कर दिया था. दिस हेल्प्स इन पोर टाइटनिंग. अगर आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो आप इसे अपने फेस पे सर्कुलर मोशन में अप्लाई करो लाइक क्वाइट 5 to 10 मिनट्स. थोड़ा रेड हो जाएगा फेस बट इट्स ओके. आई मीन इट्स नॉट बर्निंग बट देन येस यू कैन टेक प्रिकॉशन अगर आपको थोड़ी ज़्यादा बर्निंग लगती है. मेरा तो फेस रेड हो जाता है बट इट्स नॉर्मल फॉर मी. एलोवेरा हैज़ सूदिंग प्रॉपर्टी. दिस गोना हाइड्रेट योर स्किन सो मच कि आप इसको सोचोगे कि बस यही स्टेप होता. ट्रस्ट मी आधी ग्लास स्किन तो यही बन जाएगी. एंड इसके बाद आपको इसको तब तक मसाज करना है जब तक ये पूरा एब्जॉर्ब नहीं हो जाता. एंड एट लास्ट यू कैन सी द डिफरेंस. माई स्किन इज सो ग्लोइंग राइट नाउ. फॉर द फाइनल स्टेप यू कैन अप्लाई एनी सिरम यू हैव. आई एम अप्लाइंग फ्रॉम द ऑर्डिनरी नाइसिनमाइड 10% विद जिंक. मेरे पास यही है एंड दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एक्ने एंड स्पॉट्स. सो आपके पास जो भी सिरम हो आप अप्लाई कर सकते हो. एंड टेक्निकली इसको तो पहले अप्लाई करना चाहिए था बट दिस इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ द फेशियल. यू कैन सी हाउ मच माई स्किन इज़ ग्लोइंग इन द सन. इट्स लाइक सन किस्ड स्किन. गाइस ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है एंड यू कैन सी द ग्लो. मैं कुछ अंदर भी वीडियोज़ दिखाने वाली हूँ, उसमें भी स्किन बहुत ग्लोई लग रही है. तो इसे प्लीज़ फटाफट ट्राई करो एंड मुझे टैग करना. बाय.